सिविक एक्शन प्रोग्राम जो है सीआरपीएफ के द्वारा आयोजित किया जाता है, और इस प्रोग्राम के तहत जो है ये सुदूरवर्ती ग्राम है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो गरीब ग्रामवासियों को हम लोग सामग्रियों का वितरण करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स का आइटम, स्कूल बैग्स, टॉयलेट शीट्स, स्टेनलेस शीट का टॉयलेट शीट्स है, ट्रांजिस्टर्स है और सिंटेक्स टैंक है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ स्वरोजगार के तहत जो है एक ग्रामवासी को एक पोल्ट्री फार्म बना के दिया है, जिसमें सब कुछ बना के और प्रशिक्षण के साथ उसको मुहैया कराया गया है ताकि उसकी आजीविका बने रहे। इसके अलावा दो सुदूरवर्ती ग्रामों में हमने हैंडपम्प लगाया है, अधवरिया और भीमबांध में, जहाँ पीने का पेयजल उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा एक सोल यहाँ पर बिजली नहीं है, तो हमने इधर सोलार लाइटिंग सिस्टम के तहत जो है 50 घरों में दो दो बल्ब एलईडी का सोलार लाइटिंग सिस्टम के तहत मुहैया किया है सोनरवा ग्राम में। इसका उद्देश्य यह है कि सीआरपीएफ इन ग्रामवासियों के साथ में है और इनके साथ सहयोग के साथ ही मिलकर इस पूरे क्षेत्र का जो है विकास में अपना उद्देश्य समझती है। सर, जहाँ तक देखा जाए कि पानी, बिजली और व्यवसाय अनरिचेबल है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इस मामले में यह साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जहाँ तक सीआरपीएफ है केवल लाइन ऑर्डर को लेकर है कि यहाँ पर नक्सल से लड़ रही है, वैसी स्थिति में क्या लगता है कि ऐसी समस्याओं से भी लड़ना पड़ता है क्या? देखिए, यहाँ पे काफ़ी ये इंटीरियर एरिया है, यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। यह कैंप जो भीमबांध का कैंप है, यह सन 2014 में स्थापित किया गया, 2013 में स्थापित किया गया था, और अब धीरे धीरे यह क्षेत्र जो है धीरे धीरे पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ की मदद से जो है धीरे धीरे विकासशील हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में मुझे यहाँ सब चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से सिविक एक्शन प्रोग्राम और अन्य कार्यक्रम चलते रहेंगे तो ये क्षेत्र भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो जाएगी।